अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एकदम यूनिक और डिलीशियस मटन नूडल्स कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनती है और थोड़े मटन में हमारे बहुत सारे कबाब बन जाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स मटन लिया है गोश्त, उसे मैंने नमक डाल के इसे बॉइल कर लिया है। अब हम इसे मिक्सचर ग्राइंडर में है जो वो हमें इसे पीसना है, हमें एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा देखिए इस तरीके से हमें इसे ग्राइंड करना है रेशे रेशे की तरह। अब मैं आपको स्पाइसेस बताती हूँ। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून लिया मैंने जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है गरम मसाले का पाउडर। देखिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब मस्का बटर। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट जो फ्लेवर है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, 10 से 12 जो होते हैं पत्ते मैं ऐड कर रही हूँ। हमें एकदम नहीं पकाना है, थोड़ा सा ये चटक जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन मतलब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर इसे हमें अच्छे से कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए कि अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो चला जाए। मैंने हमेशा आपको बताया है अदरक लहसुन को तेल में 2 से 3 मिनट कुक करने से जल्दी मसाला जो हमारा वो भून जाता है। देखिए ये हो गया हमारा अदरक लहसुन। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का जो पेस्ट है, वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं कम ज्यादा करके। इसे भी हम थोड़ा 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए अच्छे से मैं इसे चलाते हुए भून रही हूँ, ये मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं, ये इसे भी अच्छे से हम मिक्स करके पकाएंगे। ये कबाब बहुत ही यम्मी बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा और जब भी बनाइएगा मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़े से हमारे मटन में हमारे 18 से 20 कबाब जो आराम से बन जाते हैं। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। अब मैदे को भी हमें इतना कुक करना है मसालों के साथ कि उसकी स्मेल जो है वो अच्छे से चले जाए। देखिए इस तरीके से चलाते हुए हमें मैदे को कुक करना है, हमें चम्मच को नहीं रोकना है जब तक ये मैदा पक ना जाए। इस तरीके से चलाते हुए हमें करना है। देखिए मेरे चिकन नूडल्स कबाब की भी रेसिपी है, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैदा हमारा जो है वो पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा पिसा हुआ मटन है वो। देखिए मैंने एकदम कीमा जैसा इसे नहीं पीसा है, थोड़ा थोड़ा हमारे रेशे नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा हमें हल्का से बस इसे घुमाना है मिक्सी में। देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम नूडल्स। नूडल्स मैंने लिया है 1 कटोरी के करीब, मैंने इसे नमक और ऑयल डाल के बॉइल कर लिया है। देखिए इस तरीके का हमारा नूडल नजर आ रहा है। अब देखिए जो नूडल्स है वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें नूडल्स को इतना अच्छा मिक्स करना है कि जो वो गोश्त से अच्छे से मटन से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद भी हमें इसे अच्छे से दोनों हाथों का इस्तेमाल करके मिक्स करना है ताकि जो हमारा नूडल्स है जो मटन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें इसमें आलू वगैरह कुछ नहीं डालना है, हमारा मिक्सचर ऐसे ही हमें रेडी करना है। अब ये स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि मैंने बॉईल करने के टाइम मटन को ऐड किया था, मैं चेक करके ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हरी मिर्चें कट की हुई और कोरिएंडर कोथमीर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं हरी मिर्चें, स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं आपको मिलती हूँ टिकिया बनाने के बाद इसकी। देखिए मैंने जो है कबाब की टिकिया रेडी कर ली है, अब चलो फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम लिए हैं और मैंने यहाँ लिया है अंडा, अंडे को मैंने नमक डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। इन चीजों से हमें फ्राई करना है अपने कबाब को। यहाँ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। चलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले हम जो है कबाब को डिप करेंगे अंडे के अंदर, फिर हम इसमें ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। देखिए मैं 1 से 3-4 कबाब जो है वो पहले अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम में रख दूंगी, उसके बाद इसकी कोटिंग कर करके ऑयल में डालूंगी। हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, एक से अंडा लगाना है और एक हाथ से हमें
ब्रेड की कोटिंग करना है इस तरीके से। देखिए कोटिंग हमारी हो जाए फिर हमें इसे ऑयल में डाल देना है। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हमें शैलो फ्राई करना है। देखिए एक एक करके मैं सारे कबाब ऐड कर रही हूं। जो कबाब हमारे हैं वो कुक हो रहे हैं। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारे कबाब कितने कुक हुए हैं। देखिए ये ऐसे इस कलर का हुआ है, लेकिन हमें इसे और कुक करना है ताकि इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाए। हमें ब्राउन कलर का होए तक इसे पकाना है। देखिए इस तरीके का हुआ, मैंने इसे टर्न कर लिया था। अब दूसरी साइड भी चेक करते हैं, हमारे जो कबाब है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे मिलती हूँ सर्व करने के बाद। देखिए रेडी है मेरे मटन नूडल्स कबाब, कितने यम्मी कितने डिलीशियस लग रहे हैं। मैंने इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरे मटन नूडल्स कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।